worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till. हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे स्टे ऑप्शंस एट पेलोलम बीच एंड व्हाट वुड बी द बेस्ट ऑप्शन टू बुक इफ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स. But it's not what it seems, man, it's hard to be seen. When everybody wants to be king, yeah, they all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the. तो हम पहुंच गए हैं साउथ गोवा और ये है पेलोलम बीच रिजॉर्ट. दिस रिजॉर्ट इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूबा. चलो पहले फटाफट से आपको रूम टूर दे देते हैं. दिस इज डीलक्स एसी पार्शल सी व्यू हट. यू कैन सी द सी फ्रॉम हेयर बट इट्स नॉट द डायरेक्ट व्यू. तो एंटर करते ही आपको मिलती है बालकनी जहाँ पे इन्होंने टू चेयर्स और वन टेबल प्रोवाइड किया है. अंदर आने के बाद है एक ये बेड. बहुत ही बेसिक सा रूम है, नथिंग फैंसी, टू स्मॉल फॉर अ फैमिली विद अ किड. और इस रूम में कबर्ड भी नहीं है, विच इज़ द मोस्ट नेगेटिव पॉइंट. द ओनली रीजन वी बुक दिस रूम इज़ फॉर द सी व्यू, विच इज़ ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट. तो अगर आप पेलोलम बीच रिजॉर्ट बुक करते हैं देन गो फॉर देयर गार्डन व्यू हट्स जो कि रिसेंटली रेनोवेट हुए हैं एंड आर मच बेटर देन दिस पर्टिकुलर रूम. लास्ट टाइम 2020 में जब हम गोवा आए थे तब हमने क्यूबा की बीच हट्स बुक की थी एंड दोज वर सुपर ऑसम. बट अभी वो हट्स ओपन नहीं हुई है सो वी थॉट ऑफ बुकिंग देयर अदर प्रॉपर्टी विच इज़ ऑन द सेम बीच. तो ये है द फेमस क्रिसेंट शेप पेलोलम बीच. और अगर मैं यहाँ स्टे ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ आपको हर तरह के बीच हट्स मिल जाएंगे. द वंस इन मोस्ट डिमांड आर द सी फेसिंग हट्स विच आर ऑल्सो अ बिट कॉस्टली. बट मैनी पीपल प्रेफर बुकिंग हट्स एट द बैक साइड क्योंकि उन्हें अपना पूरा दिन या तो बीच पे गुजारना है या फिर गोवा एक्सप्लोर करना है. सो इट मेक्स सेंस. आई पर्सनली फील सी व्यू हट्स आर अ ग्रेट ऑप्शन टू बुक इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद किड्स एज्ड 5 एंड अबव. बट सी व्यू हट्स के ग्राउंड फ्लोर ऑप्शन आर क्वाइट लिमिटेड. नाउ दिस इज साई वैलेंटाइंस रिजॉर्ट और मैं आपको दिखाने जा रही हूँ इनका ये फर्स्ट फ्लोर सी व्यू हट. यहाँ से स्टार्ट होता है ये और इसमें ये स्विंग हमें मिला है. इसके बाद यहाँ पे दो चेयर्स हैं और एक टेबल है. तो चलो अब रूम में चल के देखते हैं रूम कैसा है. तो सबसे पहले रूम में एंटर करते ही आप नोटिस करोगे रूम बहुत ही स्पेशियस है. बेड इज ह्यूज एंड कंफर्टेबल. तो अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट कि रूम में स्पेस हो और बेड किंग साइज हो. बाथरूम की अगर बात करूँ तो बाथरूम इज़ अगेन स्पॉटलेस. ओके, और रूम में हमें बेड साइड टेबल्स मिले थे एंड लॉट ऑफ चार्जिंग पॉइंट्स. फिर हमें ये एक अलग से टेबल और फुल लेंथ मिरर मिला विच इज़ अगेन ग्रेट. और यहाँ पे कबर्ड भी है. तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था पहला जो हम रूम में रुके थे वहाँ पे कबर्ड नहीं थी एंड विच इज़ वेरी वेरी सैड क्योंकि बच्चों के साथ कबर्ड बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू कीप योर रूम लाइक आई मीन क्लीन एंड क्लटर फ्री. तो इस रूम की बेस्ट बात क्या है, आप बेड पे बैठे बैठे सामने सी का व्यू ले सकते हो. इट इज़ डायरेक्ट सी व्यू नॉट जस्ट फ्रॉम द बैल्कनी बट फ्रॉम द बेड. दिस व्यू इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम वट यू गेट फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर. और अगर आप क्रेव करते हो दिस काइंड ऑफ सी व्यू फ्रॉम योर रूम देन डू गो फॉर दिस फर्स्ट फ्लोर हट्स. क्योंकि ये व्यू आपको नीचे से नहीं मिलने वाला है. बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपके साथ बच्चे हैं देन इट मे बी अ बिट अनकम्फर्टेबल क्योंकि बच्चों के साथ बार बार ऊपर नीचे करना इज़ नॉट पॉसिबल. एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि ये जो फर्स्ट फ्लोर वाली हट्स हैं ये थोड़ा सा शेक करती है जब भी कोई मूव करता है. नॉट जस्ट इन योर रूम, अगर कोई साथ वाले रूम्स में भी मूव कर रहा है तो ये थोड़ा सा शेक होती है और कभी कभी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो सकता है. सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड व्हेन यू बुक दीज रूम्स. ओके, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर जर्नी. माय गॉड गाइज, लुक एट दिस ब्यूटिफुल सनसेट, कितना गॉर्जियस लग रहा है, अमेजिंग. मैं दिखाती हूँ, वो आपको बच्चे दिख रहे हैं यहाँ पे
पांच छह बच्चे दिख रहे होंगे आपको इस जगह में, वो उन बच्चों के बीच में ही है, वो अकेला खेल रहा है पानी में, हमारी बिल्कुल जरूरत नहीं है। नाउ इफ यू आर लकी एंड यू आर बुकिंग एट द राइट टाइम, आपको इजीली ग्राउंड फ्लोर सी व्यू हट्स या फिर बीच फ्रंट हट्स मिल जाएंगे। अगर मुझे ऑप्शन मिले टू चूज फ्रॉम बैक साइड हट्स, फर्स्ट फ्लोर हट्स, सी व्यू हट्स एंड बीच फ्रंट हट्स, देन आई विल डेफिनेटली चूज द बीच फ्रंट हट्स, सिंपली बिकॉज दीज हट्स ऑफर एवरीथिंग यू नीड एज अ फैमिली विद किड्स। बट अगेन, सभी सी व्यू हट्स एंड बीच फ्रंट हट्स आर नॉट इन अ ग्रेट शेप, तो बुकिंग से पहले डू चेक आउट द पिक्चर्स एंड वीडियोज इफ यू आर बुकिंग ऑनलाइन, एंड इफ बुकिंग डायरेक्टली गिव सम एक्स्ट्रा टाइम एंड चेक एवरीथिंग प्रॉपरली इन द रूम। ओ, ये दूसरे होटल का रूम टूर दे देती हूँ। ये होटल है कैफे ब्लू, और इसका रूम दिखा देती हूँ मैं आपको। पहले तो ये व्यू देख लो, जो इससे पहले वाले में हम रह रहे थे वो इसके जो साथ वाला था और ऊपर था यहाँ इस फ्लोर पे, और ये बिल्कुल नीचे है। और ये देखो, यहाँ से एंट्री, ये रेस्टोरेंट यहाँ से एंट्री है, और बहुत बड़ा इनका ये सिटिंग एरिया है। नोई को भी देख लो, वो रहा सामने, वो लेटा हुआ है पानी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बेड, बहुत बड़ा स्पेशियस बेड है, और बहुत अच्छी चीज़ कि इन्होंने ये मॉस्किटो नेट दिया हुआ है, बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे इन्होंने एक टेबल इधर दिया है, एक टेबल इधर दिया है, एसी है, कबर्ड है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नेसेसरी, और बेड साइड टेबल दिया है। और फिर यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में ये वॉश बेसिन है विद मिरर, और इनका ना बाथ एरिया और टॉयलेट सेपरेट है, लाइक दिस इज़ द बाथ एरिया, डिसेंट बकेट है, शॉवर है, और ये है टॉयलेट, स्मॉल बट डिसेंट। इट्स ओनली वर्थ इट इफ यू वर्क फॉर इट, इट्स ओनली वर्थ इट इफ यू वर्क फॉर इट, आई वोंट स्टॉप टिल दे हियर मी नाउ, आई वोंट स्टॉप टिल। तो इसके पहले वाले में क्या था, बेड बिल्कुल यहाँ था, तो सामने से डायरेक्ट व्यू था। यहाँ पे बेड साइड वेज है, बट व्यू इज स्टिल अमेजिंग। Worth it if you work for it, I won't stop till they hear me now, I won't stop till I wear the crown. So in my opinion, the best option would be the beachfront hut with ample space in the room and outside, a king-size bed if your kid sleeps with you, or the option to put an extra bed in the room for the kid. It should be the extra bed, not the mattress. Clean bathroom, luggage storage options, especially cupboard or almirah, and of course the clean linen. सो पेलोलम बीच पे आपको काफ़ी सारे स्टे ऑप्शंस मिल जाएंगे, फ्रॉम बजट टू लग्जरी, गार्डन व्यू हट्स टू सी व्यू बंगलोज, ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर सी व्यू हट्स। लुक एट दिस हट्स, इसमें बैल्कनी में जकूजी दिया हुआ है, हाउ इंटरेस्टिंग इजंट इट। तो आप कब प्लान कर रहे हैं गोवा का ट्रिप, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आप किस टाइप की हट में स्टे करना पसंद करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीक एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड लाइक दिस वीडियो।